वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाले गाइज अपनी गाड़ी के ऊपर। तो आप लोगों को पता है अपनी गाड़ी काफ़ी हद तक मॉडिफाई हो गई है और म्यूजिक सिस्टम भी इसमें डाला हुआ है बढ़िया, अपना फोकल के कंपोनेंट्स डले हुए हैं, बट जो आउटपुट है वो मज़ा नहीं आ रहा। तो आउटपुट ना मज़ा आने का रीज़न गाइज एक ही, अपना माउथ, अपना स्टॉक माउथ है और स्टॉक माउथ में इतनी अच्छा आउटपुट नहीं आता है। तो अब मैं करवा रहा हूँ अपना माउथ अपग्रेड, मैं लगवा रहा हूँ उसके अंदर गाइज स्पाइनर का, न्यू न्यू डलवा रहा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ मेरे पास घर पे ऑलरेडी एक माउथ पड़ा हुआ था स्पाइनर का मेरी पिछली कार का, तो मैं उसे ही अपग्रेड करवा रहा हूँ। वो थोड़ा सा किसी में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसे ठीक बिल्कुल परफेक्ट करवा के जब मैं उसे इंस्टॉल करवा रहा हूँ उसके अंदर, और सब कुछ करवाऊंगा और साथ के साथ मैं उसमें कैमरा भी इंस्टॉल करवा रहा हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। जो मैं माउथ लगवा रहा हूँ वो अपना ये वाला लगवा रहा हूँ पाइनर का AVH299BT, मेरा पड़ा हुआ था घर पे और मैं इसे इंस्टॉल करवा रहा हूँ। मेरा आप जैसे आपको स्टॉक था तो स्टॉक से करके अपग्रेड करवा रहा हूँ पाइनर का माउथ लगवा रहा हूँ। उसमें DVD वगैरह सब कुछ है, ऑक्स पेंड्राइव सब कुछ है और ये करवा रहा हूँ। और एक बार दिखाता हूँ आपको इसकी पूरी इंस्टॉलेशन। इसके अंदर कैमरा भी इंस्टॉल करवा दिया है और अपनी यहाँ पे वायरिंग का प्रोसीजर पूरा स्टार्ट हो चुका है। और वायरिंग अभी पीछे कैमरे की प्लेसमेंट देखते हैं कहाँ लगवाना है, या तो स्पॉइलर में लगवाएंगे या तो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, या तो हम अपना गाइस यहाँ पे लगाएंगे स्पॉइलर में जो अपने टॉप मॉडल अल्फा में आता है, या यहाँ लगेगा तो अभी उसके लिए देखते हैं कहाँ लगेगा। बट अभी इसका वायरिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, और वायरिंग का प्रोसीजर पूरा देख लो और उसके बाद जब कैमरे की इंस्टॉलेशन होगी पीछे वो दिखाता हूँ और फिर कैमरे की क्वालिटी वगैरह आपको चेक करवाता हूँ। गाइस हम ये वाला कैमरा इसमें इंस्टॉल करवा रहे हैं, ये अपना माई TVS का है विद 1 ईयर वारंटी और नाइट विजन वाला कैमरा है जो बिल्कुल छोटा सा है, मैंने आपको दिखा देता हूँ निकाल के। गाइस आप देख लो यहाँ पे भी आपको TVS की ब्रांडिंग दिख जाएगी और नाइट विजन पूरे LEDs आप देख रहे होंगे। और ये वाला करवाएंगे इंस्टॉल और क्वालिटी वगैरह तो मैं आपको इसके भी आगे दिखाई दूंगा। बम्पर के अंदर होल होता है और बिल्कुल हम सेंटर में लगा रहे हैं, और ये जो आप देख रहे होंगे पार्ट ये अपना TVS के अंदर जो अपना कैमरा है उसी के अंदर आता है, और ये इसमें परफेक्ट प्लेस के अंदर होल हो रहा है पूरा काट वाट के, और बिल्कुल परफेक्ट साइज का आता है, बिल्कुल OM फिट आता है ये, और 19 का भी इसमें फर्क नहीं आता। तो गाइस देख लो अब इसमें प्रॉपर होल हो गया है और ये कैमरा जो है अपना वो परफेक्टली इसके अंदर अंदर चला जाएगा। इसका अभी देखो वायरिंग का कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि हम जो कपलर है उसके अंदर सीधा वायरिंग करेंगे। अपने कैमरे की वायरिंग देखो ये आ रही है अपनी कैमरे की वायरिंग, और हम सीधा इसके अंदर ये पुट कर देंगे, कोई पील ऑफ पील वील कुछ नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट हम कनेक्शन ले लेंगे। यहाँ पे भैया चेक कर रहे हैं कि कनेक्शन कहाँ पे है और सीधा इसकी वायरिंग यहाँ पे हो रही है। सो गाइस अपनी इंस्टॉलेशन वगैरह पूरी हो चुके है और एक बार यह माउथ देख लो, आपने देखा होगा पाइनर का अपना, इसमें रेडियो, CD, USB, ब्लूटूथ, ऑक्स, रियर व्यू, ऑफ, सारा कुछ ऑप्शन है परफेक्टली। और अपना इसका ये सब आपने देखा होगा तो इसके बारे में मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी एक बार फिर भी सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ आपको, सेटिंग वगैरह देख लो ग्राफिकल और ये सब EQ वगैरह अपना। अगर मैं आपको गाइस और सेटिंग दिखाऊं, उसमें लाउडनेस काफ़ी अच्छी सेटिंग होती है पाइनर के माउथ में अपनी, लाउडनेस, बेस बूस्ट, हाई पास फिल्टर बहुत कुछ है। और एक बार आपको कैमरा दिखाऊं तो गाइस कैमरे का ऐसा कुछ रिस्पांस है अपना, आप देख लो, और क्लैरिटी वगैरह ठीक है कैमरे की, बाकी आपको रिफ्लेक्शन दिख रही होगी, सिर्फ क्लैरिटी ठीक है कैमरे की। और नाइट व्यू भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा, एक बार आप डे व्यू देख लो। और अपना जैसे ही रिवर्स गियर लगाया अपना ये कैमरा परफेक्टली ऑन हो गया है। अपना स्टेयरिंग के साथ वाला नहीं है, नॉर्मल है बट रिस्पांस काफ़ी ठीक है। और ये फ्रेम गाइज ये नॉर्मल अपना ब्लैक फ्रेम आता है मैट ब्लैक, तो मैंने इसमें ग्लॉसी ब्लैक करा दिया जो अपना पियानो ब्लैक जिसे कहते हैं अपना, मैंने ये भी इसमें करा दिया है। और अब दिखाता हूँ आपको एक बारी कैमरे का नाइट व्यू। सो गाइज एक बारी मैं आपको नाइट व्यू भी दिखा देता हूँ और नाइट का रिस्पॉन्स भी लगा दिखा देता हूँ, तो आप लोग इसकी चेकआउट कर सकते हो और क्लैरिटी देख सकते हो उसकी कैसी क्लैरिटी है। और एक बार आपको थोड़ा सा और पास से जूम दिखाऊं तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। एक बार आपको दिखा देता हूं, ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और फिर भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका। और अगर मैं आपको पीछे से भी दिखाऊं कि इस कैमरा के बाहर से कैसे लुक है और LEDs कैसे वर्क कर रही है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, तो गाइस आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। उसमें पूरी LED बहुत ब्राइट है, दूर से पता लग रहा है कैमरा ऑन है बिल्कुल, और अपनी ये लाइट्स तो आपने देख ही ली थी।
तो गाइस इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ आपने देख लिया और अब बहुत धूप हो रही है जिस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, तो आपने कैमरे वगैरह का रिस्पॉन्स सब कुछ देख लिया है। मैंने अपना माउथ का आपको आउटपुट नहीं सुनाया है क्योंकि यूट्यूब पे गाइस NCS का गाना चलता है तो उसमें बढ़िया साउंड नहीं आती है। अगर आपका आउटपुट सुनना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और उससे रिलेटेड आप उसमें आपको पूरा साउंड इसका समझ आ जाएगा और सबको सुना दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करो तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। अपना इंस्टाग्राम हैंडल है JJ ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स, तो चैनल का नाम है गाइस वही है, जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना तो वहाँ पे भी आपको आउटपुट मैं सुना दूंगा। तो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा गाइस प्राइसिंग के बारे में, तो माउथ जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ, तो इसका तो गाइस मैंने पहले जिस टाइम में खरीदा था कुछ अराउंड 16,000 का था। ये मॉडल नंबर है AVH299BT ऐसी कुछ था, ब्लूटूथ वाला मॉडल है। और कैमरे की जो कॉस्टिंग आई गाइस वही है 1500 रुपये। TVS का कैमरा लगाया मैंने और इसकी कंप्लीट 1 ईयर की वारंटी आई हुई है और कुछ भी इशू होगा तो बिल्कुल अपना फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कोई भी डाउट हो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट सेक्शन में बता देना, हो सके तो आपके सारे क्वेश्चंस का आपका जवाब वहीं पर दे दूंगा। थैंक यू गाइस।